हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एक्सपीरियंस में। आज हम बात करेंगे एक वेबिनार के बारे में जो कि मुख्य रूप से वुमेंस डे के ऊपर है। इसमें जो गेस्ट हैं वो भी एक वुमेन है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि टाइम टू टाइम आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड, वेबिनार के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए हम देखते हैं इस वेबिनार के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही वुमेंस डे मनाया गया जो कि 8 मार्च को था। आज के ज़माने में इक्वलिटी को मैं मानता हूँ और सबको मानना भी चाहिए क्योंकि महिला भी आजकल हर फील्ड में बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, चाहे वो साहित्य हो, खेल हो, लीडरशिप हो, कुछ भी हो। महिला जो है आजकल पुरुषों के सम जितना पुरुष चल रहे हैं उसके पीछे पीछे नहीं, उसके समान रूप के चलना चाहती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है मिस्टर मार्गरेट जो कि गाना देश के हैं और ये मिस एग्रीकल्चर रह चुकी हैं 2019 में गाना के, जो कि फाउंडर भी हैं डो लागो के। तो ये मिस मार्गरेट जो हैं इस वेबिनार के, जो कि वुमेन इन एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस फ्रॉम गाना, वुमेन इन एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस क्या रहा गाना में बताएंगे कि वुमेन का एग्रीकल्चर में क्या रोल था, इसका जो एक्सपीरियंस है वो अपना साझा करेंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड में वुमेन का क्या भूमिका था, जो कि कंडक्ट किया जाएगा 12 मार्च 2022 को और जिसका टाइमिंग है इंडियन टाइम IST 4:30 PM से 5 PM, जिसका टाइमिंग है 4:30 PM से 5 PM और गाना देश के अनुसार उसका टाइमिंग है 11 AM से 11:30 AM। ये एक ऑनलाइन वेबिनार है। तो मिस मार्गरेट जो है वो गाना देश से ही इसको ऑर्गेनाइज करेंगे और इसी दिन 12 मार्च को एक दूसरा वेबिनार भी है उसके जस्ट बाद, जैसे वो 4:30 PM से 5 PM के बीच था तो ये 5 PM से 5:30 PM तक है और ये इसका टॉपिक है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वुमेन इन एग्रीकल्चर। वुमेन एग्रीकल्चर में वुमेन का क्या कॉन्टेक्स्ट रहा, क्या रहा वो बताएंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। इस सेकेंड वेबिनार का ऑर्गेनाइज करेंगी डॉक्टर मीरा भाटिया मेहरोत्रा जो कि एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिस्ट हैं। तो चलिए हम बता देते हैं कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। इसको ज्वाइन करने से पहले आपको एक लिंक है जिससे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। बिना रजिस्टर किए हुए आप इस वेबिनार में भाग नहीं ले सकते। यह लिंक मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दूंगा जिससे कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप बिना रजिस्टर किए हुए आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस वेबिनार में ज्वाइन हो सकती हैं या भाग ले सकती हैं। ये खास करके महिलाओं के ऊपर कि महिला का क्या रोल रहा है एग्रीकल्चर में, करके लैंडफिल्ड हो गया और जलवायु में क्लाइमेट चेंज में क्या मुख्य रोल रहा इसके बारे में। तो चलिए मैं आपको कैसे रजिस्टर करना है वो आपको करके बता देता हूँ। ये रहा लिंक, इस पर मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ कि रजिस्टर कैसे करना है। इस लिंक पर क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्टर कैसे करना है। जैसे मैंने क्लिक किया,
कोल्ड है। देखिए आ गया यहाँ पे, वेबिनार ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर 12th मार्च ऑफ 2022। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे कैसे आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालना होगा, जो कि आपका ईमेल आईडी होगा ही, सबके पास होता है आजकल। तो सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी डाल लेंगे। मैं देखिए मैंने अपना ईमेल आईडी डाल लिया। उसके बाद आप जो है अपना नाम भरेंगे, आपका जो नाम है वो आप भरेंगे। नाम भरने के बाद आपको ईमेल आईडी दोबारा भरना, उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, वो आप डाल दीजिएगा। और साथ ही आपको ये चूज करना है कि आप करते क्या हैं। आप फार्मर हैं, कोई इंडस्ट्री प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या फिर किसी चीज़ में रिसर्च के रूप में आप काम कर रहे हैं तो वो डाल सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वो डाल सकते हैं, या फिर कोई दूसरा एक जो कि आप मान लीजिए मजदूर हैं वो डाल सकते हैं अदर में। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट में डाल देता हूँ। और आप कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या करते हैं, उसका एक डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे भर दीजिएगा। मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। सबमिट का ऑप्शन ये है। अगर आपको कुछ गलत हो जाता है, आप किसी मिस्टेक हो जाता है, तो आप क्लियर फॉर्म करके फिर से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ गलती तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यू धन्यवाद।